आज हम जानेंगे फ्रैक्चर होने के बाद में फ्रैक्चर कितने दिन में जुट जाता है। आप लोगों को कई कमेंट्स है कि सर मेरे को एल्बो का फ्रैक्चर है, मेरे को नी का फ्रैक्चर है, मेरे को साफ्टो हुमरस का फ्रैक्चर है, मेरे को साफ्टो फीमर का फ्रैक्चर, इस तरह के आपके कई फ्रैक्चर हैं जो कि कितने दिन में हील हो जाते हैं। तो फ्रेंड इसी प्रोसीजर को हम समझने की कोशिश करेंगे फेज के रूप में कि हमारी बोन किस फेज में किस तरह से जुड़ती है और हमारी जो बोन होती है वो नॉर्मल लाइफ में कितने दिनों में आ जाती है, यानी पहले जैसी किस तरह से बन जाती है। हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट, ऑस्टोपैथ एंड न्यूट्रिशनिस्ट, यू कैन से 3 in 1, लास्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। फ्रेंड अगर आप नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की हेल्दी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि हमारी क्लिनिकल बेस होती है, ऑथेंटिक होती है और रिसर्चफुल हमारी वीडियो होती है जो कि आपको मिलती हुई रहेगी। तो शुरू करते हैं फ्रैक्चर होने के बाद में फ्रैक्चर किस तरह से जुड़ता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बोन के कितने प्रकार होते हैं। बोन मुख्यतः यहाँ पर 4 प्रकार से होती है जो कि आपके फ्रैक्चर होती है, जैसे कि लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और इरेगुलर बोन। उसके अलावा बात करें फ्रेंड बोन का कंपोजिशन, यानी बोन किस तरह के कंपोजिशन से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर होती है हमारी बोन सेल्स। बोन सेल जो होती है जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। अब इन सेल का फंक्शन होता है कि आपके जो फ्रैक्चर साइड है तो फ्रैक्चर साइड में आपके जैसे कि ऑस्टियोजेनेसिस कराना, यानी ऑस्टियोफिकेशन बनाना। उसके अलावा आपके कैल्शियम फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन करवाना। उसके अलावा बोन को उसी शेप में लाने के लिए वहाँ पे कैल्शियम का प्रोडक्शन करवाना, एक संरचना का निर्माण करना। उसके अलावा हमारे जो बॉडी में मिनरल्स है इनको रीअब्जॉर्प्शन करा के बोन को फिर से पहले जैसी संरचनाओं में लाना। उसके अलावा यहाँ पर पाया जाता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, जो कि मुख्यतः 2 तरह से होता है। ऑर्गेनिक जो कि आपकी कोलेजन है, जो कोलेजन से मिलकर बना हुआ होता है, यह होता है 32-35 ड्राई वेट ऑफ बोन। और उसके अलावा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में आपके कैल्शियम फॉस्फोरस जो कि हमारा बोन का ड्राई वेट होता है 65-70%। अब यहाँ पर फ्रेंड जो हमारी बोन बनने की प्रक्रिया होती है जिसे हम या तो फेज बोल दें या फिर स्टेज बोलते हैं, वह यहाँ पर हम लेंगे 5 स्टेज जो कि हम लेंगे फ्रॉस्ट 1989 बेस। सो फ्रेंड यहाँ पर हमारा रहेगा फर्स्ट स्टेज ऑफ हिमाटोमा, या फिर हम कह सकते हैं इन्फ्लामेटरी फेज। भी आपका फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर के साथ ही आपका यह प्रोसीजर शुरू हो जाता है। जब भी आपके फ्रैक्चर होता है तो वहाँ के ब्लड वेसल थे वो रप्चर हो जाती है। रप्चर होने की वजह से जो आपके फ्रैक्चर साइड है, फ्रैक्चर साइड के चारों ओर अराउंड में वहाँ पर हिमाटोमा यानी क्लॉट बन जाता है, जो कि आपके लेस देन 7 डेज का होता है या फिर अप टू 7 डेज हो सकता है। फ्रेंड ये सेल्स आपको कंट्रीब्यूट करेगी लेटर देन आपके बोन हीलिंग के लिए। सेकेंड नंबर आएगा स्टेज ऑफ ग्रेनुलेशन। धीरे धीरे जो हमारा फर्स्ट स्टेज था, स्टेज कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर ग्रेनुलेशन बनने लगते हैं जो कि हमारे फ्रैक्चर एंड रहते हैं। फ्रैक्चर एंड के उनसे दूसरे जो हमारे फ्रैक्चर एंड है वहाँ पर एक ब्रिज बनाने का काम करते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बनते हुए ये ओसिफिकेशन यानी हमारी 3rd स्टेज में चले जाते हैं, जिसे कहते हैं स्टेज ऑफ कैलस। तो यहाँ पर हमारी 3rd स्टेज हो जाती है स्टेज ऑफ कैलस, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं कि डॉक्टर आपके चेक एक्सरे कराते हैं, चेक एक्सरे देखने के बाद में वो आपको ये बताते हैं कि आपका फ्रैक्चर कितने दिन में जुड़ जाएगा। और इसी स्टेज को हम बोलते हैं फ्रैक्चर ऑफ यूनिटी, यानी आपकी हड्डी का जुड़ जाना, बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी एक्सपोज टू स्ट्रेस। और यही कैलस फॉर्मेशन जो कि हमारे एक्सरे में विजिबल होता है। फ्रेंड यहाँ पर हमारा जो ये समय होता है ये होता है 4-12 वीक। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ रिमॉडलिंग। जो हमारा सॉफ्ट कैलस रहता है वो बढ़ता जाता है हार्डनेस की ओर, यानी कहने का मतलब वो एक नई संरचना का निर्माण करता हुआ जाता है ताकि आपके एक बोन को एक स्ट्रॉन्ग बन सके। और इसका टाइम जो होता है वो 1 से 2 साल के बीच में होता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि आपके प्लेट रोड को कितने दिन में निकलवा लेना चाहिए, जो कि इसका एक आइडियल टाइम होता है कि इस बीच में आप यानी आपका रिमॉडलिंग होने के बाद में आप अपने प्लेट या फिर रोड को निकलवा सकते हैं, जो कि डिसाइड करेंगे आपके डॉक्टर, जो कि आपसे देखने के बाद में वो डिसाइड करें कि आपका रोड निकलाने का सही समय है या नहीं। अब बात करें स्टेज ऑफ मॉडलिंग, जो कि हमारी 5th स्टेज है। फ्रेंड इसमें हमारी बोन पहले जैसी, बिल्कुल पहले जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसका समय हो सकता है मेनी ईयर, हो सकता है आपको 3 ईयर भी हो सकता है, 6 ईयर भी हो सकता है, 10 ईयर भी हो सकता है। तो फ्रेंड ये तो था हमारा फ्रैक्चर हीलिंग प्रोसेस,
यानी आपका फ्रैक्चर होने के बाद में फ्रैक्चर किस तरह से जुड़ता है। उसके अलावा फ्रैक्चर को जल्दी जोड़ने व लेट जोड़ने में कुछ फैक्टर होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं आपके कुछ फैक्टर पर, जैसे कि पेशेंट एज, टाइप ऑफ द बोन और एंड थिकनेस, यानी किस प्रकार के आपके बोन का फ्रैक्चर हुआ और उसकी मोटाई कितनी है। उसके अलावा एक्सटेंड ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द फ्रैक्चर पार्ट, यानी आपके फ्रैक्चर पार्ट में अगर वहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर रूप से नहीं मिल पा रही है तो हो सकता है वो आपके डिले यूनियन में चला जाएगा, और जहाँ पर ब्लड सप्लाई अच्छी बनी हुई है वहाँ पर आपका फ्रैक्चर जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड, पोजिशन ऑफ द बोनी एंड्स एट द साइड ऑफ द फ्रैक्चर, यानी जहाँ पर आपका फ्रैक्चर हुआ उसका बोनी अलाइनमेंट कितना अच्छा है और साथ ही अलाइनमेंट में कितना मिसिंग है, तो वो सारे पे डिपेंड करता है। उसके अलावा फ्रेंड, आपके बॉडी में अगर आपको कोई पैथोलॉजिकल इशू है तो वो भी आपका फ्रैक्चर को लेट हीलिंग दे सकता है, जैसे कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ना, कुछ इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताया जैसे कि ESR हो गया, CRP हो गया, अगर ये बड़े हुए हैं तो वहाँ पर फ्रैक्चर रिकवरी डिले होती है। उसके अलावा जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह, हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आप उन सभी वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिए या फिर आप एंड स्क्रीन से उन्हें देख सकते हैं। अगर फ्रेंड आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिससे आप मुझे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके जितने भी आपकी डिटेल्स हैं वो आप व्हाट्सएप के द्वारा आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके डाउट्स है, क्लियर है, या फिर जो भी आप पूछना चाह रहे हैं वो आप आराम से पूछ सकते हैं, और जितनी हमसे हेल्प होगी आपके ऑनलाइन के द्वारा हम आपकी हेल्प करेंगे। उसके अलावा हो सकता है कुछ एक्सरसाइज आपको प्रिस्क्राइब करनी है तो वो चीज़ें भी हम आपको बता देंगे। फ्रेंड, वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, आपका कोई भी कमेंट्स हैं आप कमेंट्स कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड, अगर आपको ठीक तरह से जानना है तो उसके लिए तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ही करें, हो सकता है आपको थोड़ा सा पैसा खर्च होगा लेकिन आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।